रिटायरमेंट के बाद कैसे पा सकते हैं आप रेगुलर इनकम मनी गुरु में आज हम इसी की बात करें। हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा है। हर्षवर्धन, मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में कितना एक्सपोजर होना चाहिए, इंकरेजमेंट कितनी है, क्या तरीका है, इसके बारे में बात की। लेकिन क्योंकि आपने ये बताया कि धीरे धीरे जो एक्सपोजर होता है डेट में ज्यादा, इक्विटी में 10 और 15% इनफैक्ट अगर आप एक्सपोजर शुरू करें बेटर है। जैसे लार्ज कैप हो गया, मल्टी कैप फंड्स में निवेश करने की आपने सलाह दी, अगर कर सकते हैं तो आखिरकार किन किन फंड्स में निवेश और एसेट एलोकेशन की बात की जाए उसके बारे में कैसे आगे बढ़ना चाहिए? वेल, अगर हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो ये क्लियर है कि मेजर कंपोनेंट जो है वो आपको डेट में निवेश करना है। कारण ये है कि उससे आपको रेगुलर इनकम आएगी। अब इसके अलावा जो हम इन्फ्लेशन को मैच करने की बात कर रहे थे कि 10 साल बाद जब ब्याज दरें घट जाएंगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, तो सेम कॉर्पस से आपका खर्चा चलेगा नहीं, तो आपको ऐसा कोई एडिशन 10 साल बाद होना चाहिए ताकि वो एडिशन वापस आप फिक्स डिपॉजिट टाइप की स्कीम में कर सकें। सो जब हम 10% 15% एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लार्ज कैप में उसका मेजर कंपोनेंट होना चाहिए। कारण ये है कि लार्ज कैप माना जाता है कि आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स नहीं देते, लेकिन इक्विटी के जो रिटर्न्स है उतने जरूर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इन्फ्लेशन बीटिंग अच्छा रिटर्न की अगर हम बात करें लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड्स में कितना एक्सपोजर मिलना चाहिए, ये इनफैक्ट भी मैं जानना चाह रही थी, और मिड कैप स्मॉल कैप निवेश से क्यों बचें? वेल, देखिए मिड कैप स्मॉल कैप क्या होता है कि वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, उसमें रिटर्न्स हायर रिटर्न्स की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन क्योंकि आपका जो मकसद है वो है इक्विटी ओरिएंटेड रिटर्न्स मिलना, आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए, आपको इक्विटी के अंदर आपको और ज़्यादा डबल टियर ट्रिपल रिटर्न्स मिले, ऐसी आपकी रिस्क कैपिटल नहीं होती। सो आप एक मल्टी कैप या लार्ज कैप फंड का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो आपके लिए इक्विटी रिलेटेड रिटर्न्स देता है, लेकिन उसके साथ में विदिन द इक्विटी फैमिली आपका रिस्क जो है वो लोअर कैटेगरी के साइड होता है। ऑल राइट, थोड़ा सा डिस्कशन हम इनफैक्ट मंथली इनकम प्लान्स पर भी और डिटेल में करना चाह रहे हैं हर्षवर्धन, क्योंकि कहा जाता है कि कंजर्वेटिव निवेशकों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। तो MIP जो मंथली इनकम प्लान्स है उसमें निवेश के जरिए कैसे प्लानिंग की जाए? वेल, मंथली इनकम प्लान्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो लगभग 75% जो है वो डेट में निवेश किया जाता है। तो डेट में जब निवेश होता है तो उस उधर आपको काफ़ी हद तक नॉन इक्विटी का जो यू नो इक्विटीज़ के जो रिस्क होते हैं वो मिटिकेट हो जाता है। जो किकर है, पोर्टफोलियो किकर बोलते हैं, कि आपको 5 से 25% आप अगर इक्विटी में निवेश करते हैं तो, और क्योंकि इसका मैंडेट है 25% इक्विटी एंड 75% डेट, अगर मार्केट वैल्यू बढ़ती भी है तो ये ऑटोमेटिक रीबैलेंस होते जाता है। अब मार्केट वैल्यू इक्विटीज़ की मान लीजिए 30% हो गई, 25% आपने निवेश किया था, मार्केट ऊपर चला गया है, तो उसका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो 30% हो गया। सो फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली 5% इक्विटी बेच देते हैं और वो डेट बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार आपका जो एक्सपोजर है वो फिक्स्ड रहता है कि 25% से ऊपर जाएगा नहीं, और प्रॉफिट बुकिंग हर लेवल पे होती रहती है। सो MIP उस लिहाज से एक कंबाइंड प्रोडक्ट है जिसमें आपका मेजर एलोकेशन डेट का है और फिर बाद में आपका इक्विटी कंपोनेंट भी है। MIP में एक फायदा ये होता है कि आप उसमें मंथली पेमेंट, जैसे मंथली इनकम प्लान्स कहा जाता है, आप डिविडेंड पे आउट ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें मंथली डिविडेंड पे आउट किया जाएगा जो भी फंड हाउस अनाउंस करता है। तो इस प्रकार आपके कैश फ्लोज में भी ये आपको काम यू नो हेल्प करता है। अगर हम बात कर रहे हैं TDS वगैरह की, इस पे कोई भी TDS नहीं कटता है, तो आपके हाथ में जो इनकम आती है वो आप पूरी खर्चा यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड वेरी क्विकली हर्षवर्धन, बहुत जल्दी से मैं जानना चाहूंगी कि रिटायरमेंट प्लानिंग, जब आपके पास एकमुश्त पैसे आ जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद में क्या तुरंत जैसे हाथ पे पैसे आए तब से प्लानिंग शुरू करें, कि उससे पहले भी शुरुआत, 60 से पहले भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं? आफ्टर रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रही हूं मैं। वेल, इनफैक्ट आप अगर एस्टिमेट, हाँ जी, अगर आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि 60 में आपके पास एक लमसम पैसा आने वाला है, तो ये ऑलवेज बेटर है कि आप उसके एक साल या दो साल पहले से आप एक प्लान ड्रॉ कर लें। एटलीस्ट आपका माइंड क्लियर होगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि जब पैसे हाथ में आते हैं और उसके बाद आप अगर 3 या 4 महीने या 6 महीने तक ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे उसका करना क्या है, तो पैसे आपके बैंक में रहेंगे जिसमें आपको 4% ब्याज आएगा। सो अगर आप पहले से प्लानिंग करते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन पॉइंट पे आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन एसेट एलोकेशन की बात है, FD करना है, MIP करना है, कि प्रॉपर्टी में डालना है, या किस प्रकार का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स लेनी है, ये सारा एक ब्रॉडर प्लान आप बना लीजिए और एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स बताने के लिए, आफ्टर रिटायरमेंट कैसे रेगुलर इनकम पाएं।